वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौतमी और गौतमी रेसिपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ चाट की रेसिपी, स्वीट स्वीट कॉर्न की चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो बहुत ही ईजी है आप बनाना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे चैनल को सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करिए। तो चलिए दोस्तों, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बॉयल कॉर्न ली है। बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। पानी और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको 15 मिनट के लिए बॉईल किया है। आप कुकर में करेंगे तो 2 से 3 सीटी में आराम से जो है कॉर्न बॉईल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बॉईल कॉर्न इस तरह से लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बॉईल कॉर्न के साथ साथ ही मैंने किया है ऐड इसमें जो चना होता है, नॉर्मल चना होता है, काला छिलके वाला चना, वो मैंने यहाँ पर रात भर सोक करने दिया था। और सुबह मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड करके, थोड़ा सा आधा चम्मच तेल ऐड करके इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए स्टीम करके फ्राई किया है। और साथ साथ मैंने यहाँ पर बॉयल पोटैटो लिया है आधा, टमाटर लिया है मैंने आधा, और मैंने लिया है साथ में बारीक चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही बड़ा टेस्ट आता है इसमें। तो साथ साथ मैंने इसमें चटपटा फ्लेवर आने के लिए नींबू का इस्तेमाल किया है। आधे से कम जो है नींबू मैंने इसमें निचोड़ के डाला है। और आप देख सकते हो इस तरह से कॉम्बिनेशन दिख रहा है और कलर भी देखिए उभर कर आ रहा है। हर एक जो इंग्रेडिएंट है इसमें, इसका कलर और साथ साथ टेस्ट भी उभर कर आ रहा है। अब मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स अगर आपके पास नहीं है तो चिली पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर आप ऐड कर सकते हो चिली सॉस। तो दिखने में तो सॉसी टाइप लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स इसमें ऊपर से ऐड कर दिया है। और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केचप। आधा से कम चम्मच मैंने केचप इस्तेमाल किया है, नहीं तो आपका जो चाट है वो मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने खट्टा मीठा टेस्ट आने के लिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है सॉस, वही मैंने इसमें ऐड किया है टमाटो केचप। अदरवाइज़ आप इसमें टमाटो का चटनी भी ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी हमने इसमें टमाटर कट करके ऐड किया है तो ज़्यादा सॉस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। टैमरिंड चटनी भी आप इसमें डाल सकते हो। स्वादानुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। बारीक कट की हुई धनिया इसमें मैंने ऐड कर दिए। अभी कोई भी कलर की चीज़ जो है इसमें कमी नहीं है। आप देख सकते हो हर एक कलर जो है उभर कर आ रहा है। कॉर्न का येलो कलर, टमाटो का रेड कलर और ग्रीन कलर, धनिया का, पोटैटो का वाइट कलर, तो इसमें हर एक कलर जो है उभर कर आ रहा है प्लेट में, आप देख सकते हो। तो इस तरह से बहुत ही आसान से तरीके से बनने वाली ये चाट मैंने आपके लिए प्रेजेंट की है। इस तरह से 2 मिनट में झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप भी अगर बॉयल कॉर्न जो है उसकी चाट बनाना चाहते हो तो बॉयल किया हुआ कॉर्न अपने अगर साइड में रखा है तो इस तरह से चाट बनाकर इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आपके वजह से ही मेरा चैनल यहाँ तक पहुँच पाया है। जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा तो मैं इसमें और भी जो है वीडियोज़ की जो है क्रिएटिविटी है इम्प्रूव करूँगी। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने इस तरह से रेसिपी झटपट बनाई है। तो इस रेसिपी के लिए आपका बहुत बहुत जो है टाइम सेविंग हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। सलाद का आप नाम इसे दे सकते हो या फिर चाट का भी नाम दे सकते हो। चाट मसाला अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो और आप इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी झटपट और फटाफट बनने वाली स्वीट कॉर्न की यहाँ पर चाट मैंने रेडी कर दी है। रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बताए